चाहे बिल्डर लाइन हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर लाइन हो, तो दोनों। ये नीलेंद्र कौन है जरा बताएं? नीलेंद्र मेरे फादर हैं। आपके फादर हैं जी। और उनको भी ये विरासत में ये मिली थी या उन्होंने शुरुआत की थी? नहीं, वो सेल्फ मेड मैन थे तो उन्होंने शुरू किया। उनके फादर मतलब मेरे दादाजी जो थे वो रेलवे में एम्प्लॉय थे, तो उसके बाद उन्होंने। तो आप ये एक्सेप्ट करेंगे यू गॉट थिंग्स ऑन अ सिल्वर प्लेटर? हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, काफी उनकी गाइडेंस से ही सब कुछ हुआ है। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव गॉटन फ्रॉम योर फादर? टू वर्क हार्ड एंड कि जितनी ईमानदारी से काम कर सको, जितना ज्यादा काम कर सको, टाइमली डिलीवर चीजें कर सको। हाँ, पर मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में जो विश्वास बहुत कम हो गया है अब तो ठीक है, रेरा के आने के बाद तो थोड़ी परेशानी बिल्डर्स की बढ़ गई और विश्वास लोगों का बढ़ गया है क्योंकि अब तो मजबूरी है, करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास बड़ा कम था बिल्डर्स में। कहते हैं कि हमेशा धोखा देता है। जी, हमारे साथ कभी ऐसी तकलीफ आई नहीं। अच्छा। ना हम लोगों ने कोई सिंगर कहीं पे एडवर्टीजमेंट करी, ना कोई मतलब कि पर्सनल पे ही हम लोग का सारा सामान बिकता गया। चाहे कोविड आया, चाहे डिमोनेटाइजेशन आई, हम लोगों ने सेल सबसे ज़्यादा करी लखनऊ में। सबसे ज़्यादा सेल? बिल्कुल। तो उसके पीछे राज क्या है? मतलब कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कुछ नहीं, और ऊपर से ईमानदार, तो शायद उसी की वजह से। जी, जो चेन हमारी है वो कभी मतलब टूटी नहीं। जितने लोगों ने परचेस किया वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिलाया, हमारा उसी से ही रेफरेंस से ही सब चीज़ें बिकती, वर्ड ऑफ माउथ से। वो बहुत जरूरी होता है जिस विश्वास की हम बात कर रहे थे। आप